और 81 में से 66 विधानसभा क्षेत्र रघुवा से प्रभावित है। तो हमें लगा कि भाई 5 साल तक रघुवर दास जी कर क्या रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक नहीं कर सके, ये तो बड़े बड़े कार्य थे, खत्म हो गया उग्रवाद। लेकिन आज तो उनकी पूरी कलाई खुल गई। अब तो कह रहे हैं कि हम तो पहले से जानते थे कि एक फेज में तो खैर रघुवर दास के होते की बात नहीं थी कि राज्य में वो चुनाव करा लेंगे, इसलिए लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे कम से कम 3 फेज में 4 फेज में चुनाव कराएंगे, लेकिन वो तो फिर वही 5 फेज में कराए। तो हमारी पार्टी तैयार है और हमने टीम बनाए हुए हैं, वो टीम जाएगी जिला में और कार्यकर्ताओं से राय विचार करके आएगी, इसके बाद आए करेंगे। सर यहाँ महागठबंधन का स्वरूप क्या हो, क्या आप उसे महागठबंधन में? देखिए हमने बार बार कहा कि भाई हम गठबंधन महागठबंधन कभी भी हम विरोधी नहीं रहे हैं। लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ उसके बाद हमने कोशिश की थी लेकिन बहुत विलम्ब हो गया, अब तो चुनाव घोषणा हो गया, अब हमें जनता के बीच जाना कि नेता के बीच जाना, तो इसलिए हमने कहा कि भाई आप जनता के बीच चलना चाहिए। देखिए हमारी गठबंधन हो चुकी है और सीटों का भी डिसाइड हो गया, आज मध्यरात्रि तक हमें लगता है कि कौन कहां से लड़ेगा इसकी भी घोषणा हो जाए भैया। लेकिन अभी जैसे JVM की बात हो रही है, महागठबंधन का एक पार्ट हुआ करते थे, कई बार बातें चली हैं, लेकिन बाबूलाल जी का कहना है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। बाबूलाल जी की कुछ अपनी सोच हो, मगर मेरा ये कहना है कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि इस राज्य को वैसे विनाश जो विनाश कर रखा है पिछले 5 वर्षों तक, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब गया है, युवाओं का रोजगार छीन लिया गया है और क्राइम तो सबसे ऊपर है देश में, उस राज्य को बचाने के लिए सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। निश्चित रूप से अब चुनाव की घोषणा हो गई है, उसका स्वागत। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि BJP के या सरकार के कहने पर इलेक्शन कमीशन ने देर से घोषणा की? एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि अब नक्सलवाद जो है झारखंड में आखिरी चरण पर है या समाप्ति की ओर है, एक तरफ नक्सलवाद आखिरी चरण पर है और चुनाव 5 चरण में हो रहे हैं, इसी से क्लियर है। महाराष्ट्र में का चुनाव हुआ, हरियाणा का चुनाव हुआ, कितने चरण में हुआ सबको पता है, लेकिन पूरा विपक्ष ने डिमांड किया था कि 2 चरणों में चुनाव हो ताकि झारखंड में 81 मात्र सीट है, 2 चरणों से ज़्यादा चुनाव को नहीं खींचना है, लेकिन फिर भी चलिए 5 चरणों में उन्होंने चुनाव किया तो इसका हम स्वागत करते हैं। दूसरी बात कि चुनाव जो सही ढंग से और सूक्ष्म ढंग से और पारदर्शी होकर सरकार कराए, इसकी हम लोग झारखंड सरकार और इलेक्शन कमीशन से मांग करते हैं।